Johnny Test. हरे बाल और है बैकपैक न्यारा, Johnny Test ज्यादा ही है कुछ बहनों को ये प्यारा, Johnny Test की तो बात ही क्या, मॉम भी है बिजी, Johnny Test बोलने वाले डॉग से लाइफ हुई इजी, बोलने वाला डॉग रोज नया कोई हंगामा, हर रोज नई कोई बाओ, कभी है तारीफ कभी और कभी बड़े लाओ, कभी कभी तो बस से बाहर हो जाते हैं हाला, छत पर डबल सीट अलाउड नहीं है। तो हम सब्जी क्यों नहीं खाते? मेरी नकल करना बंद करो बेटे। चॉकलेट खाओगे तो दांत सड़ जाएंगे। ये करेला खाओ लहसुन मार के। ओए अब अंदर जाकर उसका डिनर बनोगे क्या? चलो मास्क पहनकर हॉकी खेलते हैं। जॉनी तुम हॉकी देखने नहीं जा सकते। नहीं 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 नहीं, नहीं। डैड तो नहीं के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। बबोई डैड को एक्सपायरी डेट में डाल दो और नया टेक्नोलॉजी वाला डैड ले आओ। आखिर बहनिया ही तो भैया काम आती है। ओए तुम्हारी सटक गई है क्या? डैड को थोड़ी बदल सकता हूँ। हाँ लेकिन मैं डैड को थोड़ा मक्खन जरूर लगा सकता हूँ, फिर वो खाएंगे। हाँ 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 नहीं नहीं नहीं, चलो लैब। नहीं डैड वाले कीड़े ने तुम्हें काटा है? जॉनी हम अपने प्यारे बावर्ची वन एंड ओनली डैड को नहीं बदलेंगे, समझ गए? तो हम साइंस की कसम। डैड कितने अच्छे हैं, ये बंदर भी उन्हें पसंद करते हैं। तो गधे तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? प्लीज याद करो जब डैड तुम्हें ना कहते हैं तो कैसा फील होता है। प्लीज तुम्हें मुझ पर एक्सपेरिमेंट करना है? नो नो नो, तुम्हारा दुख हम समझ सकते हैं। पर जब तक हम हंसमुख हर बात में हाँ कहने वाला डैड बनाएंगे तब तक ओरिजिनल डैड का क्या? मैं हूँ ना। जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। मेरा जूता कहाँ है? जॉनी नहीं, सीधे क्यों खड़े हो, थोड़ा हिलो डुलो। मेरे सीधे खड़े रहने में आपको प्रॉब्लम है, आप इतने टेढ़े क्यों हैं? आदत से मजबूर। मेरा जूता देखा है क्या? मिल जाए तो भटिंडे के अंडे बनाने किचन में चला जाऊं। आप हर काम शूज पहन कर करते हैं डैड? हाँ कहीं कुकर में तो नहीं भूल गया। बहनों मैंने डैड को पूरा दिन बिजी कर दिया है, तो चलो हसमुख हर बात में हाँ कहने वाला डैड बनाए। असली डैड के असली बाल लेकर डुप्लीकेट डैड का फेस बनाते हैं। माचो मैन बनेंगे इस मॉडल की तरह। ये टॉवल्स मैंने चोरू बाजार से खरीदे, इन पर फेमस स्पोर्ट्समैन के डीएनए हैं। डैड बनेंगे स्पोर्ट्स लवर और हमारी हो जाएगी बल्ले बल्ले। हमारी बारी आ गई, अभी आवत है। ये असली जोकर नहीं नकली है, मालो। एक मिलाई के डैड का जोकर बनाई है, इसे तारे डैड और कॉमेडी हो जाई है। नए डैड की जय हो। प्लीज बस डैड जैसे दिखना पर हरकतें सेलिब्रिटी की तरह करना। डैड की तरह दिमाग मत खाना। हमको दोनों टाइम भरपेट खाना दी है। बात बनी? जॉनी खड़े क्यों हो, जाओ खेलो कुछ, तोड़ो फोड़ो। बन गई। अरे हाँ ड्यूकी, ये लो तुम्हारा नाश्ता। और मेरी प्यारी बच्चियों तुम्हें जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं करो। नहीं नहीं दादी जय हो। अपना जॉनी तो विली करने में चैंपियन बन गया है जॉनी की माँ। और अब खाने के बाद मीठा। मेरा जूता कहाँ है?
बच्चियों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्लूटोनियम। क्रेडिट कार्ड मेरी बीवी का है। तुम तो एकदम चमक रही हो जान। मेरा जूता कहाँ है? चपटे, मजाकिया, तोड़ते, फोड़ते, हॉकी तो रोक करता है। हॉकी मैच की फर्स्ट ट्रॉफी टिकट और खाने में चॉकलेट मेरे प्यारे बेटे के लिए। क्या यहाँ किसी ने मेरा 8 नंबर का जूता देखा? कोई कहीं मेरा ही गोल ना हो जाए। ऐश और कैश। पेट दर्द करने लगा है। जब हम अच्छा खाना खावत हैं तो पेट को सहलाई है और फिर हवा पास करिए। जॉनी नाम तेरा, जो ना भूल करे। सब कुछ ठीक है ना? भूखड़ की तरह खाने से पेट गुड़गुड़ कर रहा है। क्या बात है। और खा बेटे, चॉकलेट तुझे पसंद है ना? चलो चलकर छत पर विली करते हैं और खा पी कर ऐश करते हैं। पर 10 बज रहे हैं डैड, अच्छे बच्चे इस वक्त डिनर करते हैं। बनाएगा कौन? मैं तो नहीं बनाऊंगा। चला जॉनी बबुआ, थोड़ी देर आराम कर लिए हैं। चलो छत पर। अरे ये का हुई गवाह, अब का ये नए डैड हमसे सर्कस भी करवाई है। मत रखो और कूद जाओ। अमृत जाल पेपर आई है। आज से तो चेहरा बचाए लिए हैं, पर तशरीफ के कांटों से कैसे बचाए? जॉनी बेटे हाथ मुंह धो लो। हमारा जोकर वाला आइडिया भारी पड़ रहा है। बाबा! मेरा जूता कहाँ चला गया? सुनो डम्बो सिस्टर्स, नए डैड का स्क्रू ढीला हो गया है। यहाँ की ज्योग्राफी किसने बिगाड़ी? डैड ने जो प्लूटोनियम खरीदा था वो बहुत पुराना था, साइंस की कसम। आखिर ये डैड लोग हमारी सारी बातें क्यों मान लेते हैं? ढीले जो ठहरे यार, मुझे लगता है अपने पुराने डैडी अच्छे थे। ओरिजिनल डैड हमेशा ना कहकर हमें मुसीबतों से बचाते थे और हमारा पूरा ख्याल रखते थे, पर ये डुप्लीकेट डैड तो कमाल के हैं। लगता है केमिकल लोचा हो गया है। लगता है नए डैड की बड़ी खोपड़ी में शॉर्ट सर्किट हो गया है। चलो खेलते हैं। देखो ये तो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। चलो सब मिलकर एक खेल खेलते हैं। कबड्डी खेलोगे या खो खो? नहीं। यस। ज़ू चलते हैं, वहाँ तुम्हारे जैसे बंदर भी होंगे। मुझे ज़ू पसंद नहीं। देखो मैं अब डायपर नहीं पहनता। मैं उस डैड को मिस करता हूँ जो मुझे हमेशा रूम में बंद करते थे, या होमवर्क दे देते थे, या वीडियो गेम छीन लेते थे। ओए चुप कर तू और सीधा सीधा चल जू। अब अपनी तरह साइंस के हिसाब से इस डैडी में कोनो गाड़ी भिड़ाने का वायरस तो नहीं ना है? कितने प्यारे हैं। और करीब जाकर देखो ना। इस एपिसोड में सुपर हीरो नहीं है क्या? मुझे वो वाला जूता 15 साल पहले मेरी वाइफ ने गिफ्ट किया था। बच्चों ड्यूकी। नहीं, उन मगरमच्छ से दूर रहो, ये उन्हें खा जाएंगे। छक्कास ना जा पास, अगर ज्यादा बोलेगा तो तुझे ठेंगा मिलेगा। अबे तले हुए पापड़, भुनी हुई मूंगफली, मेरे बच्चों ने जरूर कोई गड़बड़ घोटाला किया है जो तू टपक पड़ा है। ये मेरे बच्चे हैं। ओए क्या कहा ना? ओए नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा ना मेरे बच्चे हैं। मैं ओरिजिनल हूँ। ये ले। मैं एक शू से अपने आप को बैलेंस कैसे करूं? ये लीजिए, मिल गया। और ससुर का नाते जूता तोरे पास था। और नहीं तो क्या? अब मजा चढ़ाता हूँ तुझे डुप्लीकेट। कहाँ डुप्लीकेट? ये ले, ये ले। गोला बॉब। इस जानवर से तो जू को बहुत कमाई होगी। ये ले भूखे मगरमच्छ। चल जा अब यहाँ से। तुम्हारी
मेरी माँ के दिए हुए 15 साल पुराने शूज फेंक दिए, ऐसी आजादी और कहाँ। जैसा डैड कोई नहीं। हमने नया डैड बना उसके लिए सॉरी, पर आप हर बात में हमें ना क्यों बोलते डैड? वो मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, ताकि तुम हमेशा अच्छा खाना खाओ और कभी बीमार ना पड़ो। हम हमेशा हॉकी मैच देखने नहीं जा सकते क्योंकि उसकी टिकट्स महंगी होती हैं, और ज्यादा जरूरी है कपड़े और खाना। आप तो मेरे टीचर से भी ज्यादा बोलते हैं, पर वी लव यू। वैसे मैं कुछ ज्यादा ही ना बोलता हूँ, तो क्यों ना हम हॉकी मैच देखने जाएं और बच्चियों के लिए थोड़ा सा प्लूटोनियम खरीद दूं मेरी तरफ से। ओके, तो फिर क्या डिमांड है तुम्हारी? हम घर पर ही सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो भी पूरी फैमिली। बस करो, इमोशनल अत्याचार करोगे तो रो दूंगा। आज बहुत दिनों बाद डिनर टेबल पर अच्छा लग रहा है। टकले परिवार को देख देख के ना मैं तंग आ गई थी जॉनी पुत्र। एकदम सुपर मॉम। गर्मा गर्म खाना, आज हम सब यहाँ मिलकर पार्टी करेंगे। मैंने गर्मा गर्म कद्दू का प्यारा सा हलवा बनाया है मक्खन मान के। देखो आज इसे खाने के लिए कोई ना नहीं कहेगा।